फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, तो मैं तो गढ़े में गिर जाऊंगा। अब जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात। क्या अखिलेश कभी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? अब का मनाइबा जब बीत जाए बेरा तो भाजपा के लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइ हे बुरी बात है, अखिलेश यादव कोटा हमें शुरू के लिए हम समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता, 45 साल से राजनीति करता हूँ तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया, तो अभी कोई भी ना कोई दोस्तों पूछे तो क्या भविष्य दिखाई दिया, कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगा दिया, अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था, आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है, आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़ करके, जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सिवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया, क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारदाय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया, आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त, देखे होंगे आप कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए, किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके साधन करके मोहम्मदाबाद जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं, सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा, इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, तो मैं तो गढ़े में गिर जाऊंगा, इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा? अब जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक किस समय क्यों ले लिया? देखिए, सब समय पर होता है, अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं उनको हराने का, उन्होंने कहा अरे छोड़िए जनता आपके साथ है, यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी रमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए, उन्होंने कहा रमिका चौधरी राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज शेखर चुनाव हार जाएगा तो। अच्छा लगा अखिलेश यादव, कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा, कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता, लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा, इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। सर, सर आपके साथ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी या छोड़ी है, आपके साथ कितने लोग? अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला, देखिए दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। तो क्या अखिलेश कभी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? अब का मनाइबा जब बीत जाए बेरा तो अब दुल्हा खिजिया के बिना लड़की लिए लगाना चाहिए था, कहा कि तनी आके फिर से इंतजाम करो। शिवपाल सिंह यादव से बात हुई, से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नारद राय को मनाने जाऊंगा और नारद राय को मनाऊंगा। अब कम मनाएंगे, जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था या फैसला नहीं लेता, मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ कर दिया, अभी माफ कर दीजिए। शिवपाल सिंह यह बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं।
सनातन पाणे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पाणे को कहना चाहिए। सनातन पाणे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया, जो भाजपा के एजेंट है पहले से, तो मैं सपा का झंडा लगा के भाजपा की मदद नहीं करूंगा, मैं भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अरे देखिए अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अब ये देखिए मैंने अभी लोगों से अपना मन लिया। नेताजी आप भाजपा का ज्वाइन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तरफ बेची और पार्टीशन नहीं है? अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाए, हाँ ए बुरी बात नहीं, अखिलेश यादव पोटा हमें अब बह जाए यहाँ कब शुरू के लिए हन अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो ऐसे कहा बसपा वाला जीत जाए का? सर भाजपा में आपने अपनी राजनीति को कहां देखते हैं? सर एक चीज है भाई, मैं कहां हूं मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता, 45 साल से राजनीति करता हूं तो यहां हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया, तो अभी कोई भी ना कोई दोस्त पूछे तो क्या भविष्य दिखाई दिया? पार्टी इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, उनके शिष्य से समाजवादी आज पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों का? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा आजकल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा।